का जो वीडियो है, हम नोडल एनालिसिस खत्म कर चुके हैं। हालांकि नोडल एनालिसिस कभी खत्म होता नहीं है, वो आगे भी यूज होते रहेगा। अब हमारा चैप्टर का आप कह सकते हो काम 50% हिस्सा खत्म हो चुका है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, और 50% बाकी है, वो भी हो जाएगा। क्योंकि ये वाला 50 जो फर्स्ट 50% अगर आपको समझ में आ गया है, नेक्स्ट 50% बचकानी चीजें हैं, बचकानी चीजें। बस जो पहले 50% जो पढ़ा है उसको अप्लाई करना है, ठीक है। चलो इसमें आते हैं। पहली बार इनफाइनाइट सीरीज रजिस्टर हमने कराया हुआ है क्या फर्स्ट में इनफाइनाइट सीरीज, आप ट्राई करो खुद से, ये वाला वीडियो पॉज करो ट्राई करो, रिजल्ट आ रहा है तो बढ़िया है, आगे वेरीफाई कर लेना, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे, बोला है फाइंड नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देख लेट नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी बी कैपिटल आर, माना नेट रेजिस्टेंस कैपिटल कैपिटल आर, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, इन दोनों बीच में नेट रेजिस्टेंस कैपिटल आर, ये सीरीज इनफाइनाइट तक जा रही है। अब अपने को क्या करना है, रिपीटेटिव सेट निकालना है, कि ऐसा सेट निकालना जो रिपीट हो रहा है। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये वाला ले लो, ये वाला सेट ले लो, तो ऐसा सेम सेट कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, लेकिन बीच वाला तो ये बच गया ना, तो दिस कैन नॉट बी ए सेट। सेट ऐसा होना चाहिए कि सारे रेजिस्टेंस भी इंक्लूड और रिपीटेटिव भी हो। तो मैंने क्या बोला कि सर ऐसा ले लेते हैं, सिंपल जो बेस्ट मुझे दिख रहा है सर इसको ले लेते हैं, नेक्स्ट ये वाला एंड सो ऑन। अब आप क्या करो, जहां पे और भी कनेक्टेड है वहां से एक सेट को हटा दो, एक सेट को हटाओ तो कैसा आएगा कि नहीं, अब मुझे थोड़ा डायग्राम बनाने में समय लगेगा। अब आप इत्मीनान से बैठ के देखिए किस तरह राजकीय सर डायग्राम बनाते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट कला है डायग्राम बनाना, जिस कला में मैं बिल्कुल भी सक्षम नहीं हूँ। डायग्राम के अगर नंबर लगेंगे ना बेटा, मेरा नंबर तो गायब है, ठीक है। अच्छा ये सेट हट गया, तो अभी इस सेट से तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट है ना, तो अच्छे से दिखेगा। तो हमारे सर्किट में पहले भी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस थे, अभी भी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, क्योंकि इनफाइनाइट से तुम दो रेजिस्टेंस हटा दोगे तो कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। और अच्छे से देखेगा, अगर ये इनफाइनाइट सर्किट है, ये भी इनफाइनाइट सर्किट है, इस सर्किट और इस सर्किट में चल पहला तो गायब है, पहला तो गायब है, हालांकि सर्किट तो सेम है, सर्किट तो एग्जैक्टली सेम है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, दिस पॉइंट कैन बी कंसिडर्ड एज ए एंड दिस पॉइंट कैन बी कंसिडर्ड एज बी, समझ में आ रहा है कि नहीं, दिस पॉइंट कैन बी कंसिडर्ड एज ए दिस पॉइंट कैन बी कंसिडर्ड एज बी, क्योंकि एक को हटाने के बाद भी सर्किट रेप्लिका बन रहा है। सर्किट क्या बन रहा है, रेप्लिका। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम बोलेंगे, अब हम क्या करेंगे, मैंने क्या बोला कि इस पार्ट को मिटा, इस पार्ट को मिटा, पहला पार्ट को हमने गायब किया था, और सेकंड पार्ट जो सेकंड पार्ट था वो ये है कि नहीं, वो ये है कि नहीं, और हमने देखा था सेकंड पार्ट सेम है, मतलब ये बात तो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ए और बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या है, आर। तो इसको अगर मैं मिटा दूं, इसको अगर मैं मिटा दूं, तो असलियत में अगर मैं इसको उठा के यहां पे रखूं तो सेम सर्किट बन जाएगा कि नहीं, इसको उठा के यहां पे रखूं तो सेम सर्किट बन जाएगा कि नहीं, तो इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस हमने क्या माना, आर। इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस हमने क्या माना, आर। तो जब उस इस पूरे चीज को यहाँ पे लगा देंगे, तो इस पूरे चीज को यहाँ पे लगाने के बजाय हम सिर्फ इसकी इसका वैल्यू क्या है, आर है, सिंपली आर को लगा दिया। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। अब इसका रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम, इसका रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम। हेंस वी कैन से द नेट नेट नाम के नेट कॉम्बिनेशन ऑफ दिस सर्किट इज ऑल्सो आर, है ना। तो देखो ये दोनों क्या है, पैरेलल में, पैरेलल में क्या हो जाता है बेटा, प्रोडक्ट बाई सम, मतलब ये सर्किट को सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसा बनेगा, प्रोडक्ट बाय सम, और ये कितना है, 1, ये ए और बी। अब इनका ये सीरीज में नेट क्या हो गया, आर बाय आर प्लस 1 प्लस 1 मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, नेट रेशियो हमने क्या माना है, आर माना है, तो नेट रेशियो क्या हो जाएगा, आर। समझ में आया कि नहीं। हमने क्या किया, हमारे पास पूरा एक सर्किट सीरीज था, पूरा एक मतलब एक हमारे पास चेन था, तो जो चेन था उनमें से पहला कड़ी को हमने हटा दिया, जब पहला कड़ी को हटाया तो देखा कि नेट रेजिस्टेंस आर है, तो पहला कड़ी को लगा के भी नेट रेजिस्टेंस आर आ रहा है, और पहला कड़ी को छोड़ के भी नेट रेजिस्टेंस आर आ रहा है, तो पहला कड़ी को छोड़ के जो नेट रेजिस्टेंस आर आ रहा है उसको मैंने लिख दिया, और फिर इनका कॉम्बिनेशन निकाल के नेट रेजिस्टेंस आर कर दिया, ठीक है। तो ये होगा आर बाय आर प्लस 1 प्लस आर प्लस 1 इक्वल टू आर, तो 2R प्लस 1
इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर, तो फाइनल आंसर आया आर स्क्वायर माइनस आर माइनस वन इक्वल टू जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें आर के बजाय आप सॉल्व करोगे क्या होगा, आर इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस में फोर ए इंटू सी डिवाइडेड बाई ट्वाइस है। आंसर हो गया बेटा 1 प्लस रूट ओवर 5/2। माइनस तो होगा नहीं क्योंकि रेशन नेगेटिव हो नहीं सकता, नोट डाउन इसको कर लो बच्चों। अभी जो टॉपिक है उसको कहते हैं बैटरी पे चर्चा। हालांकि ये टॉपिक ऑफिशियली आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर ये टॉपिक नहीं समझोगे तो आपको बैटरी क्या होती है, बैटरी काम कैसे करती है, सबको पता है बैटरी में पॉजिटिव से चार्ज लेके नेगेटिव तक जाता है, सबको पता है कि बैटरी से पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में आता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है वो सबको पता है, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज जाएगा। लेकिन कभी सोचा है कि हमारे घर में जो बैटरी होती है, जैसे कि हमारे घर में पेंसिल सेल हो गया जो हम रिमोट में डालते हैं, अब पेंसिल सेल भी ऐसा ही कुछ एक बैटरी है, तो खूब सारा पॉजिटिव चार्ज है पेंसिल सेल के एक साइड में और खूब सारा नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज जाके जब नेगेटिव चार्ज में जाएगा तो न्यूट्रलाइज होगा, क्या होगा न्यूट्रलाइज होगा, तो बैटरी तो खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि बैटरी तो बहुत जल्दी डिस्चार्ज होनी चाहिए, ऐसा क्यों नहीं होता, ये सब सवाल है जरूरी। तो असलियत में बैटरी कैसे अलग है कैपेसिटर से, वो भी जरूरी है समझना आपने को, क्योंकि कैपेसिटर बैटरी में क्या सेम ही तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर पहला डिफरेंस तो ये है कि कैपेसिटर में दोनों प्लेट ना सेम साइज के होते हैं और बैटरी में सर एक बड़ा होता है छोटा होता है, फिर बड़ा छोटा प्लेट नहीं होता, वो रिप्रेजेंटेशन होता है, लिखने का तरीका है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर रेजिस्टेंस का वायर भी टेढ़ा होता है, ऐसा होता है सर, सीधा वायर नहीं हो सकता रेजिस्टेंस का, अबे कर दो मतलब गधा नहीं बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को, सही दिमाग है, ऐसा नहीं होता, वायर स्ट्रेट भी हो सकता है, वायर कैसा भी हो सकता है, दिस इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। सिमिलरली दिस इज अ डायग्राम ऑफ अ बैटरी, एक बड़ा प्लेट को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, इस डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, हालांकि दोनों प्लेट बराबर ही होते हैं, ठीक है। अब सुन अच्छे, तो जो EMF ये होता है बैटरी, इसको भी सुना होगा 10 वोल्ट का बैटरी है, तो 10 वोल्ट क्या है उसका EMF है। अब EMF क्या है, EMF पोटेंशियल डिफरेंस ही, अभी के लिए ऐसा जान के रहा कि EMF पोटेंशियल डिफरेंस ही और कुछ नहीं है, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हालांकि ये कोई फोर्स नहीं है, इट इज नॉट ए फोर्स, ये बात समझे, इसके पास नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो भी हम समझाएंगे, हालांकि ये फोर्स नहीं है, इसी से इट्स पोटेंशियल, ओके इट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस। 12 वोल्ट अगर 10 वोल्ट की बैटरी है तो हम बोलेंगे कि 10 वोल्ट का EMF है उसमें, प्रॉपर आपको मीनिंग में समझाने वाला हूं बिल्कुल, अभी पहले टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं, 10 वोल्ट का EMF है ये बोलते हैं ऐसा, ठीक है। तो बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं EMF। अब उसमें पूरी चर्चा होने वाली है, इसके लिए पहले हमें बैटरी को समझना पड़ेगा बैटरी क्या होता है। इधर देखिए बैटरी में खूब सारा पॉजिटिव चार्ज खूब सारा नेगेटिव चार्ज, अब असलियत में क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज कोई एक पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए ये वाला पॉजिटिव चार्ज भाग के सर्किट में एक चक्कर कंप्लीट करके आया, क्यों कंप्लीट करके आया भी देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ से उछल को जा नहीं सकता क्योंकि बीच में कोई कंडक्टिंग मीडियम नहीं है, बीच में कोई ऐसा कंडक्टिंग मीडियम नहीं है, तो ये पॉजिटिव चार्ज उछल के आपका मतलब यहाँ पे उछल के नहीं जा सकता, तो प्रॉपर क्या करता है ऐसा जाता है वो सर्किट में, क्योंकि यहाँ पे वायर है प्रॉपर है ना, तो वायर से जाता है प्रॉपर वायर से जाके यहाँ पे आके मिल जाता है, तो यहाँ पे क्या करता है न्यूट्रलाइज कर देता है चार्ज को, तो एक पॉजिटिव चार्ज निकला यहाँ पे आके एक नेगेटिव फोर्स है न्यूट्रलाइज कर दिया। अब असलियत में क्या होता है देख, अब होगा क्या, ऐसे करेंगे तो सारा चार्ज खत्म हो जाएगा, अब ऐसे सारा चार्ज खत्म हो जाएगा तो बैटरी भी धीरे धीरे 10 वोल्ट की थी तो 10 वोल्ट से 9 वोल्ट 8 वोल्ट 7 वोल्ट 6 वोल्ट 5 वोल्ट ऐसे कर सकते वीक होती जाएगी, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता। असलियत में क्या होता है, बैटरी के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगी, इसको E/V बोलते हैं, ये बैटरी की इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझ में आया। मान ले दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच का जो डिफरेंस है उसको क्या कहेंगे, स्मॉल डी बोलते हैं, ठीक है स्मॉल डी बोलते हैं। तो अब क्या होता है, जैसे ही ये चार्ज निकल के यहाँ पे जाता है तो यहाँ पे चार्ज कम होता है, यहाँ पे भी चार्ज कम हो रहा है, यानी कि दोनों साइड में चार्ज कम हो रहा है, तो जैसे ही चार्ज कम होता है तो बैटरी के अंदर एक मैकेनिज्म होता है, उसको बोलते हैं बैटरी मैकेनिज्म। अब मैं आपको समझाता हूँ व्हाट डू वी से व्हेन वी मीन बैटरी मैकेनिज्म। बहुत टाइप की बैटरी होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में ये सब देखा होगा हल्का फुल्का क्या बढ़िया देखा होगा, ऐसा होता है ना, दो इलेक्ट्रोड होता है, कैथोड एक एनोड होता है, इसके अंदर नमक वमक डालते हैं, फिर आयन इससे इसमें जाते हैं, ऐसा ऐसा कुछ होता है, ये सब पढ़ाई की नहीं, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लोअर इलेक्ट्रोड, ऐसा कुछ है, क्या है मेरे को नहीं पता क्योंकि बेटा केमिस्ट्री है वो,
वो क्या है बेटा, केमिस्ट्री। वो प्रॉपर अभी केमिस्ट्री में सिलेबस में आपको पढ़ाया गया है कि असलियत में जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वो कैसे काम करता है, जो काम वो करता है उसी को हम बैटरी मैकेनिज्म कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, बैटरी मैकेनिज्म। तो जिनको ये पता है बहुत बढ़िया, जिनको नहीं पता जाके केमिस्ट्री सर से पूछो, आपको समझ में आ जाएगा। अब सुन मुद्दे की बात, इसमें डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि इसमें अगर हम डिस्कशन करने जाएंगे हमारा एक 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 डेढ़ घंटा चले जाएगा, क्योंकि ये आपको पता है केमिस्ट्री का बड़ा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चाहो तो मैं डिटेल उसका पूछा लेकिन नहीं करूंगा क्योंकि बेटा अननेसेसरी, वो चीज हमारे सिलेबस में है नहीं, वो केमिस्ट्री की सिलेबस, आप केमिस्ट्री से ही पढ़ो। हमारा काम क्या है, हमको पता है कि बैटरी मैकेनिज्म होता है। तो बैटरी मैकेनिज्म क्या करता है, बैटरी मैकेनिज्म नोटिस करता है, पहली बार सुनना अच्छे से, बैटरी मैकेनिज्म नोटिस करता है कि चार्ज कम हो चुका है, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट दोनों में चार्ज कम हो जाए। तो बैटरी मैकेनिज्म अंदर में क्या करेगा, या नेगेटिव प्लेट में एक बॉन्ड, एक एटम को तोड़ेगा, एक एटम को तोड़ेगा और उसका नेगेटिव प्लेट और एक पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगा, एक नेगेटिव प्रोड्यूस करेगा और एक पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगा, और वो कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से कुछ एक रिएक्शन करेगा, जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता है या इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन से क्या करेगा, वो पॉजिटिव चार्ज को यहां पे पहुंचाएगा और नेगेटिव चार्ज को यहां पहुंचाएगा। समझ में आया कि नहीं, और पॉजिटिव चार्ज को यहां पहुंचाएगा, नेगेटिव चार्ज को यहां पहुंचाएगा, और पॉजिटिव चार्ज यहां पे फिर से बराबर हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज फिर से यहां पे बराबर हो जाएगा, फिर जाएगा यहां पे, देख जैसे ही तेरा पॉजिटिव चार्ज यहां से वापस जाके यहां पे मिलता है तो वो न्यूट्रलाइज करता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करता है। न्यूट्रलाइज करता है मतलब क्या, एक पॉजिटिव आयन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन से मिलकर न्यूट्रलाइज हो गया। फिर बैटरी मैकेनिज्म ने क्या किया, उस एटम को तोड़ दिया किसमें, आयन और इलेक्ट्रॉन में, और फिर से सेग्रीगेट करके पॉजिटिव को यहां रख दिया, नेगेटिव को, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, एक कॉल आ गया था, होता रहता है, क्या कर सकते हैं, सुनो, पॉजिटिव को सेग्रीगेट के बैटरी मैकेनिज्म का काम किया, पॉजिटिव को यहां भेजता है, नेगेटिव को यहां भेजता है। अब मुद्दे की बात यह है कि बैटरी के अंदर जो रिएक्शन होता है, दे परफॉर्म ए वर्क, कैसे वर्क दे, पॉजिटिव तो खुद एक बात बता, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यहां से यहां पे है। पॉजिटिव चार्ज को बैटरी मैकेनिज्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में भेज रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचुरल टेंडेंसी किस तरफ, सॉरी पॉजिटिव चार्ज का नेचुरल टेंडेंसी किस तरफ जाने का है, पॉजिटिव से नेगेटिव में, पॉजिटिव चार्ज का नेचुरल टेंडेंसी पॉजिटिव से नेगेटिव में जाने का है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में जाने का है, लेकिन बैटरी मैकेनिज्म पॉजिटिव चार्ज पे वर्क कर रहा है, बैटरी मैकेनिज्म विल डू वर्क ऑन पॉजिटिव चार्ज। वो कितना वर्क करेगा, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना लगा रहा है ये, क्यू इनटू ई, दैट इज द फोर्स, डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहा है बेटा, डी डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, क्यू इनटू डी। तो ये बता, ये जो वर्क किया उसने, ये जो वर्क किया, तो एक बार सिंपली एक बात बता, बैटरी मैकेनिज्म ने पॉजिटिव चार्ज में वर्क किया, इमेजिन कर, मैं एक मार्कर को, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मैं एक मार्कर को यहां से आके उठाता हूं, तो मार्कर ने एनर्जी गेन की कि लूज की, मार्कर ने MGH का पोटेंशियल एनर्जी गेन किया, समझ में आया कि नहीं, सबको पता है बेसिक वर्क एनर्जी इज फॉर्म, जिनका क्लास लेवल का कॉन्सेप्ट क्लियर है उनको मक्खन समझ में आएगा। मैं नीचे से ऊपर की तरफ उठाया तो मैंने मार्कर पे वर्क किया तो मार्कर का एनर्जी बढ़ेगा, मैं बैटरी मैकेनिज्म ने पॉजिटिव चार्ज पे वर्क किया तो पॉजिटिव चार्ज का एनर्जी बढ़ेगा। अब मेरी बात अच्छे से सुन, पॉजिटिव चार्ज का एनर्जी बढ़ा तो पॉजिटिव चार्ज जब यहाँ पे पहुंचा तो खूब सारी एनर्जी उसके पास, बहुत सारी एनर्जी है। अब बहुत सारी एनर्जी है तो वो अपनी एनर्जी से इजिली इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा और वापस यहाँ पे आके मिल जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस को क्रॉस करने में भी तो कुछ चाहिए होता है ना भाई, रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के लिए क्या होता है, एनर्जी चाहिए होती है चार्ज पार्टिकल को, तो वो कहां से मिली उसको, बैटरी मैकेनिज्म से मिली। अब साइकिल सुन, पॉजिटिव चार्ज था, गया चक्कर खा के यहां पे आया, अब यहां पे जैसे आया एनर्जी नहीं है, न्यूट्रलाइज हो चुका है। अच्छा धीरे धीरे बोलता, एकदम धीरे धीरे बोलता, तुम सुनना अच्छे से, ठीक है, बस सुनो अच्छे से। पॉजिटिव चार्ज स्टार्टिंग से, पॉजिटिव चार्ज यहां पे था, निकला, गया, रेजिस्टेंस को क्रॉस किया, यहां पे आके मिल गया, फाइनली हमारे पास न्यूट्रलाइज हो गया, चार्ज कम हो गया। बैटरी मैकेनिज्म ने नोटिस किया ये चीज और बैटरी मैकेनिज्म ने अपना अंदर एक रिएक्शन करवाया, इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोकेमिकल, जो रिएक्शन जिस टाइप का बैटरी होता है, लिथियम आयन बैटरी होता है, अलग अलग टाइप के बैटरी होते हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से उसने रिएक्शन किया, उसने रिएक्शन करके एटम को अंदर तोड़ा, एटम को तोड़ के एक पॉजिटिव हिस्सा किया, एक नेगेटिव हिस्सा किया, उसने पॉजिटिव हिस्से में वर्क किया उसने,
पॉजिटिव चार्ज में वर्क करके उसने पॉजिटिव प्लेट तक भेजा, तो पॉजिटिव चार्ज की एनर्जी बढ़ गई, क्योंकि जब हम किसी चीज पे वर्क करते हैं तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, तो पॉजिटिव चार्ज की एनर्जी बढ़ गई, तो वो एनर्जी एक बार वो एनर्जेटिक हो गया तो वो खुद की एनर्जी से यहाँ पे रेजिस्टेंस को क्रॉस कर जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा एंड द साइकिल रिपीट। तो मुद्दे की बात सुन, कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो एनर्जी गेन कहाँ पे करता है, बैटरी के अंदर, और उसको यूज कहाँ पे करता है, रेजिस्टेंस के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये आपके एनसीईआरटी में कहीं नहीं लिखा गया, कहीं बैटरी के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई। मैं खुद 12th पास आउट हूँ, मतलब मैं तो वही 12th पास आउट हूँ, मतलब और भी डिग्री है मेरे पास ऐसे, मतलब जब मैं 12th में था हम लोग को तो चर्चा, भाई छोड़ो चर्चा कहाँ होगी, ये सबकी चर्चा है ही नहीं एनसीईआरटी में। और ये अगर नहीं समझोगे तो बट आपको फील ही नहीं आएगी कि क्या हो रहा है। यहाँ पे केमिस्ट्री और फिजिक्स का संगम होता है। लोग जो बोलते हैं ना कि केमिस्ट्री बकवास सब्जेक्ट है, फालतू सब्जेक्ट, एकदम फालतू फालतू बातें बेटा, ये सब केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री और फिजिक्स मिलके ही साइंस बनता है, ठीक है। तो केमिस्ट्री से ही ये चीज डिराइव होकर आई है, रिएक्शन ही तो हो रहा है बेटा, अंदर क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। आई होप आपको बैटरी मैकेनिज्म का जो मुद्दा है वो समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसमें एक और चर्चा करेंगे हम लोग, एक और चर्चा करेंगे, तू इमेजिन कर। अब हम सारा चीज ये सब छोड़, इमेजिन कर एक चीज, इमेजिन कर एक चीज। तो बैटरी ने वर्क डन इक्वल टू क्या आया बेटा, क्यू इंटू ई इंटू डी, है ना। तो वर्क डन बाय चार्ज, क्यू को यहां लिखा जाए, ई इंटू डी आया, कुछ एक आया, है ना, ई इंटू डी कुछ एक आया। वर्क डन बाय चार्ज क्या होता है, व्हाट इज वर्क डन बाय चार्ज, याद कर याद कर याद कर, वर्क डन बाय चार्ज क्या होता है, वर्क डन बाय चार्ज क्या होता है, याद कर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, याद है मोनो अच्छे ने कि वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू डिवाइड बाय क्यू इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, याद है कि नहीं। देख इसको नेगेटिव प्लेट मान ले, इसको पॉजिटिव प्लेट मान ले, वर्क डन कहां से कहां तक हो रहा है, नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट तक। तो वर्क डन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, v प्लस माइनस v माइनस डिवाइडेड बाई q, बोल गए क्या। तो असलियत में हमें क्या मिल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द प्लेट्स मिल रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द प्लेट्स मिल रहा है। अब मेरी एक बात समझ, ये वर्क क्या है, दिस इज द वर्क डन बाई बैटरी मैकेनिज्म, दिस इज द वर्क डन, एक बार मैं फोकस को चेक कर लेता हूँ, दिस इज द वर्क डन बाई बैटरी मैकेनिज्म ऑन द चार्ज, दिस इज द वर्क डन बाई बैटरी मैकेनिज्म ऑन द चार्ज। इसको अभी के लिए ई एम एफ बोल दे, इसको अभी के लिए ई एम एफ बोल दे, ठीक है। ये जो वर्क डन बाई चार्ज है इसको अभी के लिए ई एम एफ बोल दे। तू खुद एक बात बता, मान ले ये मेरे हाथ में मार्क कर रहा है, मैंने इसमें वर्क किया 10 जूल का, मैंने कितना वर्क किया बेटा 10 जूल का, मैंने सिर्फ यहाँ से यहाँ पे लेके आया तो मैंने 10 जूल का वर्क किया। तो खुद एक बात बता, इसमें जो एनर्जी स्टोर होगी 10 जूल होगी कि 10 जूल से कम होगी, रियलिस्टिकली, लेट्स ऑफ रियलिस्टिक थिंग, हम लोग अभी वो बात नहीं कर रहे, मतलब आइडियल केस बात नहीं कर रहे, हम रियलिस्टिक बात कर रहे हैं, रियल केस बात कर रहे हैं, आइडियल केस नहीं है। पक्का 10 जूल, मैंने इसमें 10 जूल का काम किया तो क्या इसमें 10 जूल एनर्जी स्टोर होगी, नहीं, 10 जूल भी हो सकती है या 10 जूल से कम होगी, 99.99% केसेस में 10 जूल से कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि देख जब मैं ऊपर लेके जा रहा था तब मैंने हवा के अगेंस्ट भी कुछ काम किया है, कुछ और काम होगा, एक्स्ट्रा एनर्जी मेरी वेस्ट होती है, क्योंकि हर प्रोसेस में थोड़ी बहुत एनर्जी वेस्ट होती है। सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, कोई भी आप वर्क कर लो 100% एफिशिएंट कोई वर्क इंजन नहीं होता, यानी 100% एफिशिएंसी कहीं नहीं कर सकते। आप अगर 100 जूल ऑफ वर्क किसी चीज में कर रहे हो तो उसमें 100 जूल ऑफ वर्क स्टोर नहीं होता, तो उससे कम ही स्टोर होगा, क्योंकि थोड़ी बहुत एनर्जी तो यहाँ पर वेस्ट होती ही है। एंट्रोपी ये सब में नहीं जा रहे, अभी नहीं जा रहे, थर्मोडायनेमिक्स भी रिलेट होता है यहाँ पे, वो सब में नहीं जाएंगे, क्लास में होते तो पक्का जाते हैं, पक्का रिलेट कराते तो मजा भी आता पढ़ाने में, ठीक है, कि ये से ये रिलेट हो रहा है, ये से रिलेट हो रहा है, बड़ा मजा आता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपका हर चीज का क्लियर है, मक्खन है भाई फिजिक्स, मजा आता है पढ़ के, ठीक है। वो सब छोड़ो, अभी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर मैं किसी चीज में कुछ अमाउंट ऑफ वर्क करता हूँ तो उतना एनर्जी स्टोर नहीं होता, उसको थोड़ा कम होता है, बाकी एनर्जी कहाँ हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। अब यहाँ पे कहाँ वेस्ट होगी, जब चार्ज पार्टिकल यहाँ से आ जाएगा, मान ले बैटरी ने कितना किया वर्क डन बाई बैटरी ऑन चार्ज, कितना 12, बैटरी ने चार्ज 12 जूल का वर्क किया। एक बार बता, चार्ज यहाँ तो चार्ज रास्ते, मान ले ऐसा इमेजिन कर मैं चार्ज हूँ, ऐसा इमेजिन कर मैं चार्ज हूँ, मेरे पे 12 जूल का वर्क कर रहा है बैटरी, जब मैं जाऊँगा तो रास्ते में हो सकता है कि थोड़ा बहुत मुझे, अगर यहाँ पे लिक्विड है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, प्रॉपर आपका सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट इलेक्ट्रोलाइट या जो भी आप कहते हो, इलेक्ट्रोलाइट में विस्कोसिटी होती है, तो विस्कोसिटी के अगेंस्ट थोड़ा वर्क करूंगा तो 12 जूल से मेरी एनर्जी थोड़ी कम हो जाएगी कि नहीं,
थोड़ी कम हो जाएगी। मान ली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नहीं है आपका, कुछ और टाइप का सेल है जहाँ पे वायर्स है, जहाँ पे मान ली यहाँ पे कुछ वायर्स है, कुछ कैसे वायर्स है, जब वायर से जाऊँगा तो अंदर में भी थोड़ा बहुत हो सकता है कि मुझे रेजिस्टेंस ऑफर किया जाए, मुझे कुछ रेजिस्टेंस ऑफर किया जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं? मुझे कुछ समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ एक रेजिस्टेंस ऑफर किया जाए। इन शॉर्ट बात यह है कि जब चार्ज पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे पहुंचेगा तो उसके पास एनर्जी रिमेनिंग क्या होगी, एनर्जी रिमेनिंग क्या होगी 10 जूल के आसपास, और एनर्जी लॉस्ट इनसाइड बैटरी कितना हो गया, 2 जूल का एनर्जी बर्बाद हो गया बैटरी के अंदर। मतलब मुद्दे की बात यह कि वर्क डन बाय बैटरी ऑन चार्ज, बैटरी ने कितना वर्क किया, 12 जूल का वर्क किया, 2 जूल उसने बैटरी के अंदर ही वेस्ट कर दिया, 2 जूल उसने बैटरी के अंदर ही वेस्ट कर दिया, और एनर्जी लॉस्ट इनसाइड द बैटरी, एनर्जी लॉस्ट इनसाइड द बैटरी कितना हुआ, 2 जूल से वेस्ट कर दिया, और बची कितनी बात उसके पास, 10 जूल। यानी कि इसका मुद्दे का बात ये है। अब मैं तेरे को मुद्दे की बात समझाता हूं। मान ले मेरे पास चार्ज 1 कूलम्ब है। वो चार्ज क्या है, जो चार्ज हमने कंसिडर किया था वो 1 कूलम्ब है। 1 कूलम्ब अगर चार्ज है तो वर्क डन अगर 12 जूल है और चार्ज अगर 1 कूलम है तो ईएमएफ कितना होगा बेटा, 12 वोल्ट। यानी कि अगर बैटरी 12 वोल्ट का वर्क करती है, बैटरी 12 वोल्ट का वर्क 1 कूलम्ब पे करती है, 12 वोल्ट का वर्क 1 कूलम्ब पे करती है, तो बैटरी का ईएमएफ कितना होगा, 12 वोल्ट। यानी कि बैटरी 12 वोल्ट की है हमारी, बैटरी 12 वोल्ट है, यानी बैटरी का नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट में पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, 12 वोल्ट का, 12 वोल्ट का। लेकिन बैटरी से जो चार्ज भागेगा बैटरी से, ये मान ले बैटरी है, बैटरी को मैं थोड़ा डब्बे में बना देता हूँ। ये मान ले बैटरी है हमारी, ये बैटरी है, ठीक है। बैटरी कितने की, 12 वोल्ट की है। लेकिन बैटरी से जब चार्ज भागेगा तो इफेक्टिवली वो कितना एनर्जी से भागेगा, 10 जूल से। अगर वो 10 जूल से भाग रहा है, इसका साफ साफ मतलब क्या, कितना पोटेंशियल डिफरेंस इसमें इफेक्टिव लग रहा है, 10 वोल्ट। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन बाय चार्ज, तो 10 जूल बाय 1 कूलम, यानी कि 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस उस पे इफेक्टिव लग रहा है। बैटरी कितना दे सकती है, 12 वोल्ट दे सकती है, 12 वोल्ट का बैटरी दे सकती है। लेकिन चार्जर थोड़ा बहुत अपनी एनर्जी यहाँ वहाँ वेस्ट कर दी, जिससे उससे इफेक्टिव कितना बचा सर्किट में दौड़ने के लिए कितना बचा, 10 वोल्ट। कितना बचा, 10 वोल्ट। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, यानी कि और वी कैन से VA माइनस VB, इसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। पूरा डेफिनेशन लिखाऊंगा, टेंशन मत ले। ये कितना है आपका, 10 वोल्ट। तो मुद्दे की बात हम लोग क्या बोलेंगे कि हाँ भाई देखो, बैटरी 12 वोल्ट दे सकती है, सर्किट में 10 वोल्ट मिल रहा है, यानी पक्का बैटरी के अंदर 2 वोल्ट वेस्ट हो रहा है। हमको पता ही है बैटरी के अंदर ही 2 वोल्ट वेस्ट हो रहा है, तो हम लोग उसको जहां जो एनर्जी वेस्ट होती है, हम ऐसा मानते हैं कि बैटरी के अंदर एक रेजिस्टेंस है जिसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। स्मॉल आर को हमने क्या बोल दिया बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस। क्योंकि हमने ऐसा बोला कि बैटरी के अंदर माना, मतलब एक कॉन्सेप्ट दिया हमने कॉन्सेप्ट दिया कि देख, जो भी चार्ज पार्टिकल होता है असलियत में एनर्जी कहाँ पे वेस्ट करता है, एनर्जी बैटरी में गेन करता है और जाके रेजिस्टेंस में वेस्ट करता है। तो हमने बोला कि अगर वो सर्किट के अंदर ही एनर्जी वेस्ट कर रहा है थोड़ी बहुत, तो क्यों ना हम उसे बैटरी का ही रेजिस्टेंस मान लें। हो सकता है ना कि बैटरी का ही हम उसे रेजिस्टेंस मान लें। तो हमने क्या बोला कि सिर्फ वो बैटरी के अंदर एनर्जी वेस्ट कर रहा है, तो लेट अस कंसीडर द एनर्जी वेस्टेड इनसाइड द बैटरी टू बी एन इमेजिनरी रेजिस्टेंस, जो कि बैटरी के असलियत में इनसाइड होगा। जो बैटरी के असलियत में कहां पे, उन्होंने बोला कि बैटरी के अंदर एक इमेजिनरी रेजिस्टेंस मानो जहां पे वो अपनी 2 जूल की एनर्जी वेस्ट कर रहा है। बैटरी के अंदर एक इमेजिनरी रेजिस्टेंस मानो जहां पे वो 2 जूल की अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहा है। तो हम असलियत में इसे ऐसे ड्रॉ करना चाहिए था, लेकिन बाद में बोला कि इससे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ऐसे ड्रॉ नहीं करके इसको ड्रॉ हम ऐसे करते हैं, इसको ड्रॉ हम ऐसे करते हैं, और ये पूरा बैटरी है एंड दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसा कोई रेजिस्टेंस नहीं है जो सर्किट जो ऐसे साइड में लगा रहता, वो बैटरी के अंदर ही वो चार्ज का एनर्जी वेस्ट कर रहा है, सिर्फ वो बैटरी के अंदर चार्ज का एनर्जी वेस्ट कर रहा है। तो हमने उसे ऐसा दिखाया, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया उसका, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया और बोला कि वो इंटरनल रेजिस्टेंस है जहां पे बैटरी अपना एनर्जी को वेस्ट कर रही है। यानी कि 12 वोल्ट अगर ये है तो इसको कितना मिलेगा बेटा, इसको कितना मिलेगा, 10 वोल्ट। तो बाकी 2 वोल्ट कौन खा लेगा, ये खा लेगा। समझ में आया कि नहीं? तो बाकी 2 वोल्ट कौन खा लेगा, ये खा लेगा। देख, अब देख प्रॉपर यहाँ पे आपका किरचॉफ लॉ भी एप्लीकेबल हो जाता है। यहां से यहाँ पे करंट कैसे फ्लो करेगा, करंट कैसे फ्लो करेगा,
यहां से शुरू कर, निगेटिव प्लेट से शुरू कर। राइज कितने का हुआ 12 वोल्ट का, राइज कितने का हुआ 12 वोल्ट का। करंट डायरेक्शन में फॉल कितने का हुआ 10 वोल्ट का। फिर से यहां पर रेजिस्टेंस के डायरेक्शन, करंट के डायरेक्शन में क्या हुआ फॉल हुआ कितने का 2 वोल्ट का। देख प्रॉपर फॉलो करता है, यानी कि हमने किरचॉफ लॉ वगैरह सब कुछ फॉलो करवाने के लिए हमने माना कि बैटरी के अंदर जो एनर्जी वेस्ट कर रहा है उसको हमें इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे तीन टर्म है, पहला टर्म इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, बैटरी के अंदर जो चार्ज अपनी एनर्जी को वेस्ट करता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक टर्म लेके आया जिसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। हालांकि बुकिश डेफिनेशन अलग है, वो मैं लिखाऊंगा, बिल्कुल टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। सेकंड चीज ईएमएफ, ईएमएफ वो है जो बैटरी का मेन पोटेंशियल डिफरेंस है, बैटरी का जो असली पोटेंशियल डिफरेंस है वो है ईएमएफ। लेकिन बैटरी का जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उतना कोई वो प्रोवाइड कर पाएगा, उतना प्रोवाइड नहीं कर पाता, थोड़ा बहुत अंदर में एनर्जी वेस्ट जाती है। तो जितना वो प्रोवाइड कर सकता है, कितना प्रोवाइड कर सकता है, अगर बैटरी का 12 वोल्ट का बैटरी है तो वो 10 वोल्ट के करीब प्रोवाइड कर रहा होगा। तो जो वो प्रोवाइड कर सकता है, जो रियलिस्टिक चीज वो प्रोवाइड कर पा रहा है, उसे ही कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और हम लोग सर्किट में हमेशा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, क्योंकि खुद एक बार बता, बैटरी 12 वोल्ट की है तो हमें क्या मतलब है, हमें कितना दे पा रही है, 10 वोल्ट दे पा रही है ना, तो बल्ब तो 10 वोल्ट से चलेगा ना। समझ में आ रहा है कि समझ में आ रहा है कि बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया चीज है। इसलिए आप लोग जब इन्वर्टर खरीदते हो तो इन्वर्टर में ऐसा लिखा रहता है कि इतने वोल्ट का है, इतने वोल्ट का। मान लो 15 वोल्ट का इन्वर्टर लिया आपने, उसमें लिखा रहता है 15 वोल्ट, लेकिन वो क्या वो 15 वोल्ट दे पा रहा है, नहीं, 14 पॉइंट समथिंग वोल्टेज देता है, अंदर में इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से वेस्ट हो जाता है। आई होप आपको ये प्रॉपर सब कुछ डिटेलिंग समझ में आएगी। अभी मैं आपको प्रॉपर जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है यहाँ से लिख लो, इसके बाद मैं वो डेफिनेशन दे रहा हूँ जो आपको क्या कहते हैं एग्जाम में आंसर लिखनी है, या जो आपको याद करनी है, या जो आप जैसे समझो। ठीक है, हाँ। तो बच्चों ये डेफिनेशन आपके सामने मैंने दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लो और अभी लिख लो। अब कुछ एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो पहली बात, आपको मेरे नोट्स में भी डेफिनेशन मिलेंगे, आपको चैप्टर वाइज बुक में भी डेफिनेशन मिलेंगे, आपको वीडियो किताब में डेफिनेशन मिलेंगे। कोई डेफिनेशन आपको याद नहीं करना, ये वाला डेफिनेशन याद करना है। हर जगह कंफ्यूजिंग डेफिनेशन है, हर जगह अलग अलग डेफिनेशन है। मैं बताता हूँ हर जगह कंफ्यूजिंग और अलग अलग डेफिनेशन क्यों है, क्योंकि इस ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की प्रॉपर डेफिनेशन एनसीईआरटी बुक तक में नहीं है। जैसे एनसीईआरटी बुक तक में नहीं है तो उनको एक वेरियस पब्लिशर अपने हिसाब से डेफिनेशन लिख रहे हैं, ठीक है। और वो बेटा बहुत पब्लिशर गलत लिखते हैं, एकमात्र करेक्ट डेफिनेशन लिखा है एस के वर्मा में प्रॉपर, लेकिन एस के वर्मा में एज ए डेफिनेशन दिया, उसने पूरा कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर दिया। तो आपको पूरा नाम के एक डेढ़ पेज पढ़ना पड़ेगा तो आपको प्रॉपर आइडिया मिलेगा कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ईएमएफ क्या है। लेकिन वहां पे आपको प्रॉपर डेफिनेशन नहीं मिलता, पढ़ के देख सकते हो जो मैंने समझाया वही मैं उसी से पढ़ के आपको समझाया हुआ है, क्योंकि वो बेस्ट बुक है फिजिक्स की, ठीक है। तो देखो मैं समझाता हूँ आपको क्या लिखा है। इट इज द वर्क डन, सुनना अच्छे से, इट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। हमको पता है कि पोटेंशियल क्या होता है बेटा, W बाई Q होता है ना, तो अपने को वर्क डन पर यूनिट चार्ज से डिफाइन करना पड़ेगा। वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाई बैटरी। ईएमएफ में क्या होता है, बैटरी नेगेटिव से पॉजिटिव में लेके जाता है कि नहीं, बाई बैटरी ऑन पॉजिटिव चार्ज, ऑन पॉजिटिव चार्ज, ऑन पॉजिटिव चार्ज इन डिस्प्लेसिंग द पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। याद है इस बार पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव से पॉजिटिव में लेके आना था, अब नेगेटिव चार्ज नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल इनसाइड द बैटरी, ये लिखना पड़ेगा इनसाइड द बैटरी। नेगेटिव टू पॉजिटिव कहां से लेके आ रहा है, बैटरी के अंदर से, बाहर से नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं, प्रॉपर डेफिनेशन क्लियर है, पढ़ लो एक बार समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, ये वाली चीज एनसीईआरटी में लिखी हुई है, इट इज नॉट ए फोर्स। ये वाली चीज, ये वाला पैराग्राफ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इट इज नॉट ए फोर्स, इट इज कॉल्ड ईएमएफ। इट्स नॉट ए फोर्स, पहली बात डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये फोर्स नहीं है। तो इसको बोला क्यों गया फोर्स, इसको फोर्स इसलिए बोला गया क्योंकि जब आदिम काल में, पहले के जमाने में जब पहली बार ये चीज टर्म इंट्रोड्यूस हुआ था, तब लोगों ने सोचा था कि कोई फोर्स है ये, इसीलिए इट इज कॉल्ड फोर्स ड्यू टू हिस्टोरिकल रीजन। अब बोलोगे कि सर ना यहाँ आप पता सट्टा मार रहे हो, भरोसा नहीं आप पे, एनसीईआरटी बुक खोल के बड़ा चेक कर लो, फोर्स ऐसा ही लिखा गया है, हिस्टोरिकल रीजन के लिए इसको फोर्स बोला गया, ये कोई फोर्स है नहीं, इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन द कॉन्सेप्ट वाज नॉट क्लियरली अंडरस्टूड, ठीक है। ये वाला जो चीज है, ये वाला भी एनसीईआरटी से उठाया हुआ है, लेकिन ये वाला चीज मैं आपको अभी नहीं समझाऊंगा, ये वाला समझाऊंगा आपको जब मैं सर्किट बना के प्रॉपर मैथमेटिकल एनालिसिस करूंगा। अभी बस डेराइवेशन लिखा रहा हूँ, अब ये वाला पॉइंट बस अभी लिख लो, समझाऊंगा ये वाला पॉइंट, जब मैं बोलता हूँ समझाऊंगा तो मैं समझाता हूँ, टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस याद है, 12 वोल्ट ईएमएफ था, 10 वोल्ट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस था, और 2 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस ने खाया था। इधर देख, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडेड टू द सर्किट। सर्किट क्या है हमारा, ये है ना, 12 वोल्ट का एनर्जी वर्कन कर रहा है बैटरी, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अपने को सर्किट में कितना मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 10 वोल्ट का मिल रहा है कि नहीं। रेजिस्टेंस जब यहां से यहां पे आता है तो एनर्जी वगैरह वेस्ट करता है, कहां एनर्जी वेस्ट करता है, इंटरनल रेजिस्टेंस में।
और फाइनली उसको कहाँ मिलता है एनर्जी, कितना मिलता है 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस से वो मूव कर सकता है फाइनली. सो इट इज द एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडेड टू द सर्किट बाय द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी. समझ में आया. इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज वर्क डन बाय यूनिट चार्ज इन मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल आउटसाइड द बैटरी. बता रहा हूँ एक बार बता अंदर वट इज पोटेंशियल डिफरेंस. पहली बात पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज, तो डिफाइन कैसे करने वाले हम लोग, ठीक है. तो अंदर 12 वोल्ट था, तो नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट में लाते टाइम 12 जूल काम किया, और जब नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट में आया था तो जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया था, जो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट में आया था, जो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट में आया था, उसके बाद कितनी एनर्जी बची थी 12 वोल्ट की, 12 जूल की 10 जूल, क्योंकि 2 जूल तो अंदर ही खा गया, आते टाइम उसने गवा दिया. तो जब इस प्लेट में आया तो उसके पास 10 जूल एनर्जी है, तो वो 10 जूल एनर्जी को रेजिस्टेंस से पास होते टाइम गवाएगा कि नहीं, बताया था कि नहीं, वो रेजिस्टेंस से पास होते टाइम वर्क करेगा वो. समझ में आया. ये वर्क कौन करेगा, चार्ज करेगा. चार्ज खुद मूव कर रहा है कि नहीं, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट में रेजिस्टेंस को पार करते हुए खुद वर्क कर रहा है कि नहीं, यानी चार्ज खुद वर्क करके वह एनर्जी को गवाएगा, इसलिए बोला गया इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज वर्क डन बाय यूनिट चार्ज इन मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल आउटसाइड द बैटरी. यानी पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी में आने में पॉजिटिव चार्ज जो काम करेगा पर यूनिट चार्ज. समझ में आ रहा है कि नहीं. इन मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल आउटसाइड द बैटरी, बैटरी के बाहर से. आया समझ में बेटा. प्रॉपर डेफिनेशन है, नोट डाउन इसको कर लो. और यही डेफिनेशन है जो आपको आनी चाहिए, दिन रात याद होना चाहिए. मैं बता रहा हूँ EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन डिफरेंस आपको वाइवा में पूछेगा, आपको एग्जाम में आएगा, आपको हाफ ईयरली फाइनल प्रीबोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है. ये वाइवा में तो पूछता ही पूछता है. मैं एक बार बताता हूँ, ऐसा ऐसा होता है कि वाइवा में जनरली क्या होता है, ये इसका डिफरेंस बच्चों को इतना, मतलब क्योंकि देख मैंने तुम्हें क्या बताया, इसका डिफरेंस बच्चों को कब समझ में आएगा, जब बैटरी की चर्चा होगी कि बैटरी असलियत में क्या है. लेकिन एनसीईआरटी वगैरह में या हमारे सिलेबस में प्रॉपर ये बताया ही नहीं कि बैटरी क्या है, हमें बस डेफिनेशन देके रख दिया है. तो सिर्फ मैक्सिमम बच्चों को सिर्फ डेफिनेशन पता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये है क्या. इसलिए वाइवा में जब बच्चों को पूछते तो बच्चे डेफिनेशन बोल पाते लेकिन समझा नहीं पाता, क्योंकि उसको मुद्दे की बात बैटरी के साथ नहीं पता. तो जनरली क्या होता है, ऐसा रियलिस्टिक बात बता रहा हूँ, होता है टीचर लोग आते हैं वाइवा में और पूछते हैं कि बेटा देखो, क्योंकि देखो जब वाइवा होता है तो उसको 50-50 बच्चों का वाइवा लेना होता है, तो ऐसा नहीं कि आपको बैठ के लगाता रहेगा, एक एक सवाल पूछता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं. वो कभी कभी करता है, बच्चों को बोलता है, एक कठिन सवाल होता है बच्चों को और बोलता है कि बेटा तुमने इसका जवाब दे दिया ना, तेरे पूरे नंबर लग जाएंगे और मैं तेरे से कुछ और नहीं पूछूंगा. ऐसा भी होता है, दिस इज फॉर एग्जाम्पल. तो बच्चे के पास ऑप्शन होता है कि नहीं सर आप मेरे को अच्छे से लीजिए और मैं अपना पूरा ट्राई करूंगा, या तो सर आप मेरे को एक ही कठिन सवाल पूछो, मैंने अगर उसका जवाब दे दिया तो फिर मेरे तो पूरा नंबर लग ही जाने हैं. तो बच्चे जो होशियार बच्चे होते हैं वो क्या बोलते हैं कि हाँ सर आप कोई भी सवाल पूछो, तो एक बढ़िया सवाल पूछता है टीचर, उसका जवाब अगर तूने दे दिया तेरे नंबर लग जाएंगे पूरे. तो यही सवाल उनमें से एक सवाल ये पूछता है कि बेटा तू मेरे को अगर EMF और बैटरी का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन तूने मुझे दे दिया, EMF और बैटरी का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर डिफरेंस EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर तूने एक्सप्लेनेशन दे दिया तेरे पूरा नंबर लग जाएंगे, ऐसा टीचर पूछते हैं करते हुए, मैंने अपने सामने देखा हुआ है, ठीक है बेटा. तो इसीलिए इसका डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं बता रहा हूँ अगर स्कूल खुलेगा, वाइवा होगा, मॉक वाइवा होता है आप लोग का प्रीबोर्ड वगैरह में होता है मॉक वाइवा, उस टाइम तो मैं ये सवाल पूछता हूँ, तो आपको प्रॉपर आना चाहिए ये वाला सवाल, ठीक है, प्रॉपर आना चाहिए. मैं पूछता हूँ अनिंदम का फेवरेट सवाल कौन सा फेवरेट सवाल है ये, ठीक है, तो आपको आना चाहिए बेटा ये वाला सवाल. हाँ तो बच्चों देखो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल, यहाँ पे शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, ऑफ सेल टू द फ्लो ऑफ चार्ज बिटवीन इलेक्ट्रोड्स. आपको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, दोबारा नहीं कर रहा. ये वाला पार्ट जो मैंने लिखा ये सिलेबस में नहीं है कि इंटरनल रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, लेकिन आप चाहो तो लिख सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बिल्कुल सिलेबस में नहीं है लेकिन अगर कहीं पे पूछ लेता है तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है. इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज स्मॉल आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन ऑफ टर्मिनल प्लेट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. लिखना है लिखना, नहीं लिखना है मत लिखो, बिल्कुल काम का ठीक नहीं है. चल देख ये मेन हो गया हमारा सर्किट, मेन बैटरी का EMF, इंटरनल रेजिस्टेंस R, ये मिलके सर्किट को कितना दे रहा है पोटेंशियल डिफरेंस V. पिक्चर खत्म. अब हम मैथमेटिक्स करते हैं इसका, क्या बोलो, करंट I निकलेगा, करंट I जाएगा ऐसे करके, ऐसा कर इस पॉइंट से शुरू कर, यहाँ से शुरू करेंगे तो हम लोग ऐसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं, ठीक है, यहाँ से जाएंगे तो निगेटिव से पॉजिटिव राइट, फॉल कितने का IR, फॉल कितने का I इंटू स्मॉलर, क्योंकि इससे भी जो करंट जाएगा ना भाई I इंटू स्मॉलर, अच्छे से देखेगा
तो ई इक्वल टू व्हाट इज आई आर, व्हाट इज आई इनटू आर, दैट्स द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वी प्लस आई इनटू स्मॉल आर. देख जनरली क्या होता है, यहाँ पे पूरा सर्किट होता है लेकिन हमने पूरे सर्किट के नेट रेजिस्टेंस को आर बोल दिया है. किसी किसी किताब में यहाँ पे लोड भी लिखा होगा, लोड एल ओ ए डी, लोड मतलब रेजिस्टेंस ही होता है, कुछ नहीं होता. ठीक है, ये हो गया. अच्छा यहाँ से अपने को क्या समझ में आ रहा है, अगर EMF 12 है तो ये 10 होगा तो ये कितना होगा, 2 वोल्ट. IR कितना है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ से पहली बात, केस वन, इफ I इज इक्वल टू जीरो, मान ले सर्किट में करंट जीरो, करंट अगर जीरो तो E इक्वल टू V हो रहा है कि नहीं, इक्वल टू V हो रहा है कि नहीं. अब याद है मैंने एक डेफिनेशन लिखाया था EMF में और ये बोला था कि इन केस ऑफ ओपन सर्किट नेट पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू EMF, तो ओपन सर्किट में करंट क्या होता है, जीरो, तो E इक्वल टू V. बस ये फालतू डेफिनेशन है, कंडीशनल डेफिनेशन है, किताब में दिया हुआ इसे मैंने लिखा दिया. सेकंड, डिस्चार्जिंग. अरे डिस्चार्जिंग क्या होता है, डिस्चार्जिंग का मतलब बैटरी हमें एनर्जी दे रहा है. जनरली क्या होता है, इन्वर्टर होता है ना, इन्वर्टर को हम चार्ज करते हैं, जब करंट हमारे पास होता है हम इन्वर्टर को चार्ज करते हैं, जब करंट नहीं होता तो इन्वर्टर का बैटरी मेन सोर्स हो जाता है. इन्वर्टर का बैटरी मेन सोर्स हो रहा है तो वो डिस्चार्ज कर रहा है, यानी कि बैटरी हमको करंट दे रहा है, यानी बैटरी हमको करंट दे रहा है, इसको इन्वर्टर का बैटरी समझ. तो बैटरी हमको करंट कब देगा, इन्वर्टर का बैटरी हमें करंट कब देगा, जब उससे करंट निकलेगा और वो सर्किट को प्रोवाइड करेगा. यानी डिस्चार्जिंग मतलब बैटरी से करंट निकलना, यहाँ पर लिख सकते हो डिस्चार्जिंग मतलब बैटरी से करंट निकलना, डिस्चार्जिंग का टाइम. अच्छा एक बता, इस इक्वेशन को देखो तेरे को क्या लग रहा है, E ग्रेटर देन V होगा कि नहीं, E ग्रेटर देन V होगा कि नहीं, समझना भाई. डिस्चार्जिंग का टाइम क्या होगा, E ग्रेटर देन V, समझ में आ रहा है कि नहीं, E ग्रेटर देन V, यानी कि I की वैल्यू क्या होगी आपकी पॉजिटिव, या बताया था ना ये 12 तो ये 10, एक्सप्लेन कर चुका हूँ यार, E ग्रेटर देन V ये हमेशा ही होता है डिस्चार्जिंग के टाइम. थर्ड केस चार्जिंग, ये हालांकि सिलेबस में बिल्कुल नहीं है. चार्जिंग और बैटरी, चार्जिंग और बैटरी मतलब क्या, बैटरी में करंट आके घुसेगा और यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस की जगह बहुत बड़ा एक बैटरी होगा, बहुत बड़ा एक बैटरी होगा, बहुत बड़ा एक बैटरी होगा रेजिस्टेंस की जगह. हालांकि वो सब आपको बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए. आप इन शॉर्ट ये समझ के रखो, अगर बहुत बड़ा बैटरी है और उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है तो क्या मैं बोल सकता हूँ, करंट पलटी मार दिया ना भाई, करंट पलटी मार दिया ना, करंट की पलटी मारा, मैं तेरे को समझाता हूँ. चार्जिंग ऑफ बैटरी का मतलब क्या होता है कि बैटरी अभी चार्ज जमा करेगा अपने पॉजिटिव प्लेट में, पॉजिटिव प्लेट में चार्ज जमा करेगा मतलब क्या, कोई तो देने वाला होगा, तो देने वाला कौन है, ये बड़ा बैटरी, तो बड़ा बैटरी से आया चार्ज, बड़ा बैटरी से आया चार्ज आके इसमें जमा हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं, दैट वाज चार्जिंग ऑफ दिस बैटरी, चार्जिंग ऑफ दिस बैटरी. तो इस केस में क्या होगा, देखिए करंट का डायरेक्शन पलट गया, यानी इक्वेशन आपका क्या बनेगा, E इक्वल टू V प्लस माइनस I इनटू R, करंट का डायरेक्शन पलट गया ना, समझ में आ रहा है. तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे अब ये इक्वेशन को अच्छे से जस्टिफाई करेगा तो यहाँ पे तेरे को E लेस देन V मिलेगा, E क्या मिलेगा, लेस देन V, समझ में आ रहा है कि नहीं. तो मैं तेरे को प्रॉपर बता के देता हूँ, देख V की वैल्यू मान ले 10 है, ये नेगेटिव है ना भाई, नेगेटिव हो रही है ना, तो ये माइनस 2 होगी ना भाई, तो माइनस 10 माइनस 2 कितना होता है 8, तो E इज लेस देन V, समझ में आ रहा है कि नहीं, E इज लेस देन V. तो एकमात्र केस जहाँ पे E लेस देन V होता है वो कब होता है, चार्जिंग के टाइम. E ग्रेटर देन V कब होता है, डिस्चार्जिंग के टाइम. E इक्वल टू V कब होता है, I इक्वल टू 0 का टाइम. बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है ये, आपके पास होना चाहिए, लिख लो इस चीज को, इस चीज का कोई अपने को जरूरत है नहीं वैसे, तभी लिख लो. एक और चीज भाई इधर देख, पूरे इक्वेशन को बी से डिवाइड कर दे. अच्छा पूरे इक्वेशन को बी से डिवाइड करने से पहले यहाँ पे एक चीज देखो, आई इक्वल टू क्या होगा, आई कॉमन ले ले, आई इक्वल टू क्या हो गया, ई बाई आर प्लस आर, इसको ऐसा भी बोला जाता है, करंट इज ऑलवेज इक्वल टू नेट ईएमएफ बाय नेट रेजिस्टेंस. सॉरी भूल गए, हम तो भूल गए, I इक्वल टू क्या होगा, E बाई आर प्लस आर, यानी कि करंट जो होगा नेट EMF बाय नेट रेजिस्टेंस, और दोनों रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में के पैरेलल में, सीरीज में एक ही वायर में है, समझ में आ रहा है कि नहीं. ठीक है, अच्छा IR को मैंने क्या लिखा, V लिखा, पूरे इक्वेशन को V से डिवाइड कर, तो E बाई V ये 1 हो गया, तो माइनस 1 इक्वल टू I इनटू स्मॉल R. व्हाट इज V, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू आई इंटू कैपिटल आर, आई आई कैंसिल गया, तो स्मॉल आर इक्वल टू आया आपका ई वाई वी माइनस वन, वाई वी माइनस वन, तरीका है इंटरनल रिलेशंस को निकालने का. अच्छे से देखिएगा, जो इंटरनल रिलेशंस है करंट पे डिपेंड नहीं करता, थ्योरेटिकली स्पीकिंग वो करंट पे डिपेंड नहीं करता, एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में तो करंट पे डिपेंड करता है, वो हम नहीं पढ़ रहे, बिल्कुल हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में क्या है, करंट पे डिपेंड नहीं करता वो,
तो इंटरनल रेजिस्टेंस आपका फॉर्मूला आ रहा है ये, और ये फॉर्मूला आगे काम आएगा, काम आएगा आगे, सॉरी यहाँ पे मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस आर लगाना भूल गया भाई, समझ में आया कि आप सारा चीजें नोट डाउन कर लो, ये सारी की सारी चीजें आगे काम आने वाली है। हाँ तो बच्चों अभी हम लोग आ चुके हैं ग्राफ में, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए और एनडब्ल्यूटी में और जेडब्ल्यू में, मतलब डायरेक्ट सवाल आते हैं इससे कि इसका ग्राफ कैसा होगा, सर्किट दे देता है, सर्किट ये बना के देता है, ये सर्किट अपने को पता ही है किसका सर्किट है, ये मैं इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो आप कहना चाहूँ। अच्छा एक बताए, पहली बात ये समझते हैं कि ग्राफ जो बनाना है अपने को, पहली बात ग्राफ किस किस के विषय बनता है, वाई और एक्स के विषय बनता है, और वाई और एक्स शुड बी वेरिएबल, अगर वाई और एक्स कॉन्स्टेंट है तो ग्राफ बनाने का मतलब क्या है, समझ में आ रहा है कि नहीं। चल पहला चीज ये देख, पहली बात कोई भी बैटरी का ईएमएफ होता है, बैटरी कितना मैक्सिमम पावर डिलीवर कर सकता है, जैसे कोई बैटरी होता है 12 वोल्ट का है, तो बेटा वो 12 वोल्ट डिलीवर कर सकता है या नहीं, डिलीवर तो 12 वोल्ट से कम ही करेगा, 12 वोल्ट से कम ही करेगा, लेकिन मैक्सिमम क्या है 12 वोल्ट, तो ईएमएफ इज कॉन्स्टेंट। इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का अंदर का जो वायरिंग है या अंदर का जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका प्रॉपर्टी है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ बोथ आर कॉन्स्टेंट, बोथ आर नॉट वेरिएबल, तो वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस में ये दोनों चीजें नहीं आनी चाहिए क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंट है। वेरिएबल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस, क्यों, क्योंकि वो करंट पे डिपेंड करेगा, करंट किस पे डिपेंड करेगा, इसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा, यानी करंट आई आर और बी तीनों वेरिएबल है, और बी इक्वल टू आई आर वैसे भी होता है लेकिन ये तीनों वेरिएबल है, पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस कितना है वो वेरिएबल है, करंट कितना है वो वेरिएबल है, और आपका आर वो भी वेरिएबल है, हम कितना लोड लगा सकते हैं आर, दैट डिपेंड्स ऑन पहली चीज। लेकिन एनसीईआरटी में तब भी एक ग्राफ दिया हुआ है ई और आर के बीच में, ईएमएफ और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बीच में, खुद एक बात बता भाई, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 50 वोल्ट था, 50 ओम 60 ओम 100 ओम 200 ओम 500 ओम लगा दे, बैटरी 12 वोल्ट की है तो ईएमएफ तो 12 वोल्ट ही रहेगा ना, तो ईएमएफ रिमेंस कॉन्स्टेंट, समझ में आया, तो इस ग्राफ को कुछ चर्चा करने का नहीं है। नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, अपने को पता है इस ये जो सर्किट है हमारा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है बेटा V, एंड वी नो V इज इक्वल टू आई इंटू आर, वी नो V इज इक्वल टू आई इंटू आर, माफ करना भैया कैपिटल आई स्मॉल आई का थोड़ा लोचा हो जाएगा लेकिन कोई फर्क उससे पड़ता है नहीं, V इक्वल टू क्या होता है आई इंटू आर, पहली पिक्चर में तो लगता है बेटा V y एक्सिस में R x एक्सिस में होना चाहिए स्ट्रेट लाइन, होना चाहिए स्ट्रेट लाइन, लेकिन अच्छे से देखेगा तो स्लो V इक्वल टू आई आर, तो y इक्वल टू एम एक्स पर से दिमाग लगाता है ना, y इक्वल टू एम एक्स, एम इज व्हाट स्लोप, तो स्लोप करंट होना चाहिए, लेकिन अच्छे से देखेगा करंट की जो वैल्यू है, करंट की जो वैल्यू है जो कि हम यहाँ पे स्लोप माने हैं e बाई आर प्लस आर, e बाई आर प्लस आर, अच्छे से देखेगा तो करंट की वैल्यू में, करंट की वैल्यू e बाई आर प्लस आर कैसे है वो भी समझने की बात है, याद है छोटा पहले बताया था व्हाट इज करंट नेट ईएमएफ बाय नेट रेजिस्टेंस, व्हाट इज नेट ईएमएफ e, व्हाट इज नेट रेजिस्टेंस आर प्लस कैपिटल आर, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है, तो अच्छे से देखेगा i इक्वल टू e बाई आर प्लस आर, अच्छे से देखेगा तो जो करंट की वैल्यू है जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ रही है, जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ रही है, आर की वैल्यू बढ़ रही है आई की वैल्यू घट रही है, क्यों, क्योंकि ई और स्मॉल आर तो कांस्टेंट है, ई और स्मॉल आर तो बैटरी का हिस्सा है वो तो वैसे भी बदलने नहीं वाला, लेकिन जैसे जैसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो कि तुमने एक्स एक्सिस में लिया है उसको बढ़ाओगे आई की वैल्यू क्या होगी घटेगी, आई की वैल्यू घटेगी मतलब आई की वैल्यू घटेगी, आई की वैल्यू घटेगी मतलब स्लोप घटेगा, स्लोप घटेगा मतलब स्लोप कांस्टेंट नहीं है, स्लोप घटेगा मतलब ऐसा होता है, समझ में आया कि नहीं, और ये एसिम्प्टोट बनाता है, यहाँ पे ये एसिम्प्टोट बनाता है, किसको मैं बता रहा हूँ, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूँ, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे ई को ई में ही एसिम्प्टोट बनाता है, मैं प्रॉपर आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, तुम एक बार बताओ, इधर देख, इधर देख, तो एक बार मेरे को लॉजिकली बता, जब जब आर की वैल्यू जीरो होगी, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ही नहीं है तो इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या, नहीं, जब आर की वैल्यू जीरो यानी कि लोड ही नहीं है तो लोड में कोई पोटेंशियल डिफरेंस आएगा क्या, नहीं आएगा, यानी आर की वैल्यू जीरो तो वी की वैल्यू जीरो यानी ओरिजिन में तो आएगा, आएगा पक्का पक्का। नेक्स्ट तो एक बात हिसाब किताब लगा, अगर आर की वैल्यू मैंने इनफाइनाइट कर दी, आर की वैल्यू मैंने इनफाइनाइट कर दी, अगर मैंने आर की वैल्यू इनफाइनाइट कर दी तो सर्किट में कोई करंट दौड़ेगा क्या, नहीं, तो सर्किट में करंट क्या हो गया जीरो, और करंट अगर जीरो हो गया तेरे को ये याद है कि नहीं E इक्वल टू वी प्लस, ये लिखा था सबसे पहला इक्वेशन किरचॉफ लॉ, राइज E, फॉल V का, फॉल IR का लिखा था कि नहीं, अगर मैंने रेजिस्टेंस को इनफाइनाइट कर दिया, अगर रेजिस्टेंस को मैंने इनफाइनाइट कर दिया तो करंट क्या हो जाएगा जीरो, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट तो करंट जीरो, करंट जीरो तो ये वाली चीज क्या हो गई जीरो, करंट जीरो तो E इक्वल टू V हो गया कि नहीं, यानी कि व्हेन R टेंड्स टू इनफाइनाइट देन पोटेंशियल डिफरेंस विल टेंड टू
समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये एसिम्प्टोट किस में बनाएगा? ई में। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। थोड़ा सा स्लो, थोड़ा मैथमेटिकल चीजें थोड़ा हिसाब किताब लगाओ, समझ में आ जाएगा। इतना कुछ कठिन चीज है नहीं, ठीक है? नहीं समझ में आता वीडियो को रिवाइंड करके देख लो, नहीं तो मैसेज कर लो, फोन कर लो, जो करना है कर लो भाई, ठीक है? ये अपने को समझ में आया। लास्ट ईयर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ करंट के बीच का ग्राफ, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ करंट के बीच का ग्राफ, सिंपल सा चीज है। ई इक्वल टू वी प्लस आई आर होता है, ऐसा कर वी को इस तरफ लेके आ जा, तो वी इक्वल टू क्या? अच्छा वी को इस तरफ रख, आई आर को इस तरफ लेके चले जा, तो वी इक्वल टू माइनस आई आर प्लस सी। अपने को पता है वी क्या है वाई एक्सिस में, वी क्या है वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में क्या है आई, तो एक्स एक्सिस में क्या है आई, तो ई एम एफ तो कॉन्स्टेंट होता है, तो वो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में प्रॉपर बैठ गया। तो स्लोप हमारा क्या आ रहा है माइनस आर, स्लोप क्या आ रहा है माइनस आर, एक्स तो आई है ना, स्लोप क्या रहा है माइनस आर, यानी इसका स्लोप क्या है बेटा माइनस आर, और वाई इंटरसेप्ट क्या है बेटा सी, वाई इंटरसेप्ट क्या है सी। आई होप आप लोगों को ये चीज भी समझ में आई होगी पूरी तरीके से। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ डायरेक्टली पूछे जाते हैं, बोलता है कि इसके और इसमें ग्राफ बनाओ, प्रॉपर बेटा नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, प्रॉपर नॉलेज। ग्राफ तो बनाना आना चाहिए आपको, आपको एक्सप्लेन करने नहीं बोलेगा कि ग्राफ कैसे है, मैं आपको ऑनेस्टली बता देता हूँ, ये सब एक्सप्लेनेशन वगैरह कुछ नहीं पूछने वाला, आपको प्रॉपर बोलेगा व्हाट द नेचर ऑफ द ग्राफ, ग्राफ बना के आना है। समझ में आया बेटा? चलो नोट डाउन कर लो आप लोग इस चीज़ को।